हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की शुरुआत करी थी, जिसमें 7.1 और 7.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और आज हम 7.3 करने जा रहे हैं, जिसमें 7.3 के अंदर का टॉपिक है परमुटेशन। क्या टॉपिक है बच्चों? परमुटेशन। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। कैसे करना है, किस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना है, कैसे कैसे हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, आइए सीखते हैं कि आखिरकार परमुटेशन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, परमुटेशन क्या है? जब जब कई सारी चीजों में से जब कई सारी चीजों में से कुछ सिलेक्टेड चीजों को बाहर निकालना होता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को बाहर निकालना होता है, तो उसे हम लोग परमुटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन। और साथ ही साथ उनके बीच के रिलेशंस को भी जब हम लोग कवर करते हैं, तो वो सारा परमुटेशन कहलाता है। अब मैं वर्ड में जितना मर्जी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दूं, परमुटेशन ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक मैं आपके सामने, क्या भाई, कुछ दो चार क्वेश्चंस आपके सामने ला के ना रख दूं, आपको ये बात क्लियर होएगी ही नहीं कि आखिरकार कोई सामने वाला इंसान आपसे बात क्या करना चाह रहा है, कहना क्या चाहता है। तो ध्यान से सुनेंगे, परमुटेशन सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NPR। N मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और P का मतलब परमुटेशन, और R का मतलब जो भी आपके आउटकम्स आए हैं, ठीक है? तो इसका होता है फॉर्मूला N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। और बच्चों इसी के बलबूते हम लोग पूरा चैप्टर, यानी ये एक्सरसाइज 7.3 खत्म करेंगे और आगे आगे शुरू करेंगे। जरूरी नहीं है इसी तरीके से करें, आप नंबर ऑफ वेज, यानी कई तरीके से वेज निकाल सकते हैं। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 3 नंबर, 1 to 9 नंबर, 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं है तो, अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं है तो। हाँ जी, सबसे पहले टोटल नंबर्स। बच्चों टोटल नंबर्स कितने हैं पहले ये बताओ, 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं? 8 नंबर होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको नंबर क्या बनाना है, ठीक है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर, ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है बच्चों? और नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से बनाना है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये वाला तरीका मैंने आपको सिखाया था, याद है, डब्बे वाला। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट में 1 से लेके 9 तक के बीच में कितने नंबर होते हैं भाई? 1 से लेके 9 तक में 8 नंबर होते हैं, तो पहले में 8 में से कोई 1, फिर 7 में से कोई 1, फिर 6 में से कोई 1, आपका आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56। 56 छक्के कितना होगा? 300 और 36, तो 336 हो गया आंसर। कितना हो जाएगा? 56 छक्के देख लो ना, 6 छक्के 36, 6 पंजे 30 और 6 3, 336। एक तरीका तो यह है करने का, जो हम लोगों 7.1 में सीखा। बच्चों एक इसी का सेकंड टाइप भी है, एक इसी का क्या है, सेकंड टाइप भी है। कैसे है वो सेकंड टाइप, आइए सीखते हैं। देखिए उसने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर, हमें क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, यानी n, 8। ये n कितना है आपके पास? 8। आपको क्या लगाना है? परमुटेशन। क्यों? कि कितने नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनों को चुन रहे हैं आप भाई? 3 डिजिट का नंबर चुनना चाहते हैं, कितने नंबर में से? 8 नंबर में से। तो लगाइए भाई फॉर्मूला, 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे 8 फैक्टोरियल को, खोल लेंगे जरा, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल। बच्चों 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या? 8 × 7 × 6, और बच्चों 8 × 7 × 6 कितना होता है? 336। ये कब देखा हमने? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि भाई 8 × 7 × 6 कितना होता है? 336 होता है। देख रहे हो बच्चों?
तो यानी आप लोगों ने जो 7.1 पढ़ी थी असल में वो परमुटेशन ही थी, बस वहां पे आपको विदाउट फॉर्मूला यूज करवाया गया है और यहां पे आपको विद फॉर्मूला यूज करवाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि एक भी नंबर हमें रिपीट नहीं करना है। अब की बार हमें क्या नहीं करना भाई, एक भी नंबर हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और हमें यह बताना है कि चार डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, चार डिजिट का नंबर कैसे बनेगा। तो चलिए हाजिर है आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बनाना है चार डिजिट का नंबर। ठीक है, तो इतना बता दो बच्चों मेरे को कि अगर मुझे चार डिजिट का नंबर बनाना है तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, विद नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, तो हाँ जी अब इतना बता दो बच्चों मुझे, एक सिंपल सी बात बता देना। अब मुझे यहां पर सबसे पहली बात, कोई नंबर दिया ही नहीं है कि कितने नंबर हैं, तो अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा अपनी तरफ से टोटल नंबर्स आर, क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं दी है। तो भाई जब मुझे कोई भी डिजिट नहीं दी गई है तो मैं डिजिट कहां से कहां तक लूंगा, जीरो से लेके कहां तक लूंगा भाई डिजिट। सॉरी एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने? हाँ गड़बड़ कर दी, क्योंकि एक से लेके नौ तक अगर नंबर दिया हुआ है तो नौ नंबर होंगे ना बच्चों। ठीक है, नौ नंबर होंगे, तो यहां पर आएगा नाइन में से कुछ एक, एट में से कुछ एक, सेवन में से कुछ एक। मैं वही कह रहा हूँ यार, क्या गड़बड़ कर दी। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, नौ अट्ठे क्या होगा 72, और 72 का सात, सात दूनी 14, चार एक, और 49 और एक 50, 504 होगा बच्चों। सॉरी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 9 p 3 तो ये बनेगा 9 factorial, और ये 9 - 3 factorial तो ये 9 factorial, और ये 9 6 factorial तो क्या बन जाएगा, ये 9 × 8 × 7 × 6। सॉरी बच्चों गलती होगी मेरे से, यहाँ 6 × 6 factorial कैंसिल, तो ये आएगा 9 × 8 × 7 और ये आ जाएगा आपका 504। ठीक है, सेम यहाँ पे भी बच्चों टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, एक से लेके नौ तक में कितने नंबर होते हैं भाई, एक से लेके नौ तक में नौ नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, तो हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अ फोर डिजिट नंबर, ऑफ अ फोर डिजिट नंबर। तो बच्चों आप चार तरीके से बना सकते हैं भाई, नौ में से कोई एक, नौ डिजिट रिपीटेड, एट सेवन और सिक्स। तो बच्चों नौ आठ सात तो 504 था ही, अब छह से और मल्टीप्लाई कर दो, तो छह चौक 24 और 5 × 30, यानी 3024। ठीक, एक फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, और सेकंड टाइप क्या बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ वेज ऑफ अ फोर डिजिट नंबर, क्या बताया था बच्चों मैंने कि भाई 9p कितना 4, कितना हो जाएगा 9p 4। तो बस बात खत्म, 9 factorial, 9 - 4 factorial तो क्या हो जाएगा 9 factorial, 9 में से 4 गया 5 factorial, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 factorial और ये 5 factorial, 5 factorial 5 factorial कैंसिल, तो 9 × 8 × 7 × 6 तो वापस कितना आ जाएगा 3024, कितना आ जाएगा 3024। ठीक है बच्चों, करो इसे।
नोट करो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, चलो अब देखेंगे जरा, इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है? थ्री। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर थ्री में, कह रहा हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। चलो भाई, द गिवन नंबर्स आर द गिवन नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 6, 7। ये दिया हुआ है, कितना दिया? 1, 2, 3, 4, 6, 7। अब हमें क्या बनाना है? थ्री डिजिट इवन नंबर। नाउ द नंबर ऑफ वेज ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर। ठीक है भाई। अब बच्चों अगर मुझे तीन डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो आप पहले ये चेक करो कि हमारे पास इवन नंबर हैं कितने। तो हमारे पास एक, दो और तीन, तीन इवन नंबर है। तो आपको पता ही है कि भाई मैं इन तीनों में से कोई एक डिजिट यहां पुट करूंगा तभी इवन नंबर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर कहता है कि जब तक वंस प्लेस में मैं नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी को इवन बनने नहीं दूंगा। तो यानी वंस प्लेस में इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। सही बात है। जब वंस प्लेस में इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो टोटल डिजिट हमारे पास छह है, लेकिन जब इन तीनों में से कोई एक डिजिट आ जाएगा तो बचेंगे कितने? पांच। तो अब पांच में से कोई एक यहां और चार में से एक कोई यहां, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 60 आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20 कितना आ जाएगा आंसर? 60 आंसर आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है, लेकिन हमें तो भाई फॉर्मूले से भी करके देखना है, तो चलो फॉर्मूले से करके देखते हैं। सेकंड टाइप। हाँ भाई, द नंबर ऑफ वेज ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर, थ्री डिजिट इवन नंबर निकालना है मुझे। तो भाई मेरे पास देख लो, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा काम करूंगा बच्चों। क्या भाई मेरे पास टोटल डिजिट कितनी है जल्दी बता दो। मेरे पास टोटल डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। लेकिन मैंने अभी अभी आपसे क्या बात करी कि भाई इवन नंबर तभी बनेगा जब मैं वंस प्लेस पे कोई इवन नंबर लूंगा। तो ठीक है जी, मैं एक वंस प्लेस पे किसी भी वंस प्लेस पे, ठीक है ना, वंस प्लेस पे किसी भी एक इवन नंबर को अगर प्लेस कर देता हूं तो मेरे पास नंबर बचे कितने? पांच नंबर। और पांच में से कितने सिलेक्ट करने रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर। तो बस बनाओ 5 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल 5 में 2 गया 3 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौके 20। तो यानी 20 नंबर वो इवन नंबर हो गए जब मैं किसी एक इवन नंबर को यहां पे प्लेस करूंगा। मैं जब यहां पे कितने नंबर को प्लेस करूंगा? किसी एक इवन नंबर को। लेकिन मेरे पास इवन नंबर है कितने? मेरे पास इवन नंबर है 3। सो द टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग थ्री डिजिट इवन नंबर वो क्या होगा बच्चों? 20 × 3, क्योंकि ये 20 कौन सा था कि भाई जब हम किसी एक डिजिट को प्लेस कर दें तो 20 आ गए इतने। तो जब तीन डिजिट अलग अलग प्लेस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 60। तो ऐसे कर लो, बात एक ही है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर फोर करें, मिटा देता हूँ ये तो, पूरा नोट कर लिया होगा आपने। मैं आपको देखो दोनों तरीके से करा के चल रहा हूं, बाद में कहीं बोलोगे सर ये क्या हो गया। चलो देखो जरा, कह रहा चार डिजिट का नंबर बनाना है आपको और आपको नंबर दिए गए हैं, द गिवन नंबर्स आर, फोर्थ क्वेश्चन है, द गिवन नंबर्स आर 1 2 3 4 5, ये नंबर है। अब कह रहा चार डिजिट का नंबर बनाना है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फोर डिजिट नंबर, हाँ जी फोर डिजिट नंबर 5P4, यही तो बनेगा भाई, पांच में चार नंबर सेलेक्ट करने हैं, पांच में से चार नंबर सेलेक्ट करने हैं, बस बात खत्म। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 में 4 गया 1 फैक्टोरियल, हाँ जी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो होता ही 1 है, तो 1 से 1 कट गया, 5 चौके 20 या 60 दुनी 120, यानी 120 तरह के चार डिजिट के नंबर बना सकते हैं। कितने? 120 तरह के हम क्या बना सकते हैं? फोर डिजिट नंबर। लेकिन अब इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है, बताओ उसमें से इवन नंबर कितने होंगे, बताओ उसमें से इवन नंबर कितने होंगे। तो बस भाई द नंबर ऑफ वेज ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर। तो हाँ जी बच्चों, अब एक बार बताओ हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 5। और आपको मैंने क्या बताया है कि जब इवन नंबर बनाना है तो किसी एक नंबर को आपको इवन यानी वंस प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। तो आप बताओ यहां पे कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन है? तो 2 और 4। तो 2 और 4 में से किसी एक नंबर को जब आप प्लेस कर दोगे तो बताओ आपके पास टोटल नंबर बचे कितने? 4 नंबर बचे। और 4 में से अब कितने और सेलेक्ट करना रह गए? 3। क्यों? क्योंकि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें से आप एक प्लेस कर चुके हो, तो आपके पास 4 नंबर बचे और प्लेस करने रह कितने गए? 3। तो इसका होगा 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, 1 से 1 कट गया, 4 3 12 2 24। तो ये तो वो हुआ बच्चों जब हम दो में से किसी एक इवन नंबर को प्लेस करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर। तो हाँ भाई ये तो 24 तब आया जब हमने 2 और 4 में से किसी एक को प्लेस किया, और जब बच्चों दोनों को प्लेस कर देंगे तो 24 गुना 2 आ गया आंसर 48। तो 48 इवन नंबर आएंगे जो 4 डिजिट के बने हुए होंगे। ठीक है, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देता हूं, करते जाओ फटाफट, आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब कह रहा है फ्रॉम अ कमेटी, एक कमेटी में 8 लोग हैं, और इन हाउ मेनी वेज कितने तरीके से एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन बनाना है, तो बताइए। और कोई भी इंसान एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, तो बस नंबर ऑफ पर्सन इन कमेटी। हां जी, कमेटी में कितने लोग हैं जल्दी बता दो? 8। कमेटी में टोटल कितने लोग हैं बच्चों? 8 लोग हैं कमेटी में, और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो बच्चों कितने सेलेक्ट करने? 2। सो 2 सेलेक्ट करने, कितने में से? 8 में से 2। तो बस बात खत्म। 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 8 में 2 गया 6 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, 8 7 जा 56, यानी हम लोग बच्चों 56 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब कहोगे 6 और 7 क्यों नहीं करा रहे हो? तो कराएंगे, अभी उसका समय नहीं आया है। वैसे आपके कोर्स से हट गया लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा, टेंशन ना लो।
क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, फोर भी हो गया, वीडियो पॉज करके नोट करते चल रहे हैं आप लोग। हाँ जी बच्चों, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर एट हो गया, एट करते हैं, सॉरी एट करना है। कह रहा हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। चलिए भाई ठीक है, एट द गिवन वर्ड इज इक्वेशन। क्या दिया गया है भाई? इक्वेशन। अच्छा अब देखिए, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है जी, तो देखेंगे भाई इक्वेशन में कितने लेटर हैं? आठ। और क्या बोला उसने? आठ के आठ लेटर यूज कर दो। कितने लेटर हैं? आठ। यहां पे चाहो तो ये एक लाइन लिख सकते हो, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स इन गिवन वर्ड, इन गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड में कितने लेटर हैं बच्चों? आठ लेटर। चाहे तो गिन लो, तीन तीन छह और दो आठ लेटर हैं। और क्या बोला है? सारे लेटर को यूज करना है और बनाना है। तो भाई एट फैक्टोरियल, एट माइनस एट फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल एट माइनस एट जीरो फैक्टोरियल। और बच्चों आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि वन फैक्टोरियल भी वन होता है और जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है। जीरो फैक्टोरियल भी क्या होता है? वन होता है। तो प्यारे बच्चों एट फैक्टोरियल आ गया, जीरो फैक्टोरियल तो क्या होता है? वन। 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 तक तो 5040 होता है और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 40320। इतने क्या कर सकते हैं भाई आप? वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? इक्वेशन के सारे लेटर्स यूज करके, इक्वेशन के सारे लेटर यूज करके। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगली क्लास में तो मान के चलो बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए, कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू फोर आईज नॉट कम टुगेदर। देखो बच्चों क्या बोला इसने, कह रहा आपके पास एक वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है, और बच्चों इस वर्ड में इसने साफ साफ बोल दिया है कि चार आई, फोर आई, ठीक है, एक साथ नहीं आने चाहिए, फोर आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले नाइन्थ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। द गिवन वर्ड इज, द गिवन वर्ड इज
क्या है? मिसी सिपी, ये है आपके पास। आई और बढ़िया बना देते हैं थोड़ा, ये राजी मिसिसिपी। ठीक, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक एक करके सबको छाटिए। ठीक, टोटल नंबर ऑफ, जो जो रिपीट हो रहा लिखते चलो, टोटल नंबर ऑफ आईज, आई है चार, टोटल नंबर ऑफ एस, एस कितना, दो और दो चार, टोटल नंबर ऑफ पीज तो कितने हैं, टू, बस ये है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड, तो गिवन वर्ड में कितने लेटर हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, भाई ग्यारह लेटर हैं, कितने लेटर हैं, ग्यारह। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि बताओ, इसने क्वेश्चन में कहा है कि बताओ कि भाई इसके अंदर ना चार आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे। पहले है ना, हम एक काम करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं कि इन सारे के सारे लेटर का टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे वो रिपीट हो, चाहे वो रिपीट ना हो, चाहे एक साथ आए, चाहे एक साथ ना आए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नाउ टोटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स, ऑफ ऑल लेटर्स। तो बच्चों टोटल लेटर हैं कितने, 11 फैक्टोरियल। अब याद रखना, परमुटेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जब भी हम कोई लेटर रिपीट होता है तो उस लेटर को डिवाइड में लिखते हैं, उस लेटर को क्या लिखते हैं, डिवाइड में, अगर कोई रिपीट होता है तो। तो देखो आई भी रिपीट हो रहा कितनी बार, चार बार, एस भी रिपीट हो रहा कितनी, चार बार, पी भी रिपीट हो रहा कितनी बार, दो बार, और कोई तो रिपीट हो नहीं रहा। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट गया, देख लो 11 10 9 8 7 6 5। ठीक है, अब क्या भाई, मुझे इतना पता है कि 4 दुनी 8 होता है, काट दिया जी, और 3 दुनी 6 होता है, काट दिया जी। ठीक है, सब कुछ कट गया, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 7 गुना 5, ठीक है, तो कितना हो गया, 110, ठीक है, गुना 9 गुना 7 गुना 5, 9 से करूंगा 0, 9 9 गुना 7 गुना 5, 7 से करूंगा 0, 9 63 और 63 और 6 69, फिर 5 से, अब 5 से करूंगा 0, 5 दिया 15, 5 रह गया 1, 9 5 45 46 रह गया 4, 30 और 4 34। तो बच्चों ये आ गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ऑल आईज नॉट कम टुगेदर, तो हम क्या निकालेंगे, ऑल आईज कम टुगेदर, अब हम क्या निकालेंगे, ऑल आईज कम टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, कम टुगेदर। ठीक है, तो बच्चों कैसे बनेगा, देखो मिसिसिपी का ना सारे आई एक तरफ कर दो और सारे वर्ड एक तरफ, एम डबल एस डबल एस डबल एस, और क्या है भाई, डबल पी, और चारों आई एक साथ एक ही यूनिट में डाल दो, ऑल आई कम्स टुगेदर, एक साथ आने चाहिए। ठीक है, जब एक साथ आने चाहिए तो भाई इन सबको एक यूनिट मान लो, इन सबको मिला के क्या मान लो, सिंगल यूनिट मान लो। तो ये अब कितने लेटर हो गए, नाउ नाउ द टोटल लेटर इज एक दो तीन चार पांच छह सात, और इस पूरे को एक सिंगल यूनिट मान लिया बच्चों मैंने, क्यों, मैंने ये समझ लिया कि चारों के चारों आई एक साथ आ रहे हैं और इनको मैंने एक सिंगल यूनिट मान लिया। ठीक है, क्यों, आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आई आपस में आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इन सबको और इसको सिंगल, पूरे आई को, ऑल आईज कम टूगेदर, सारे आई को एक यूनिट मान लिया, तो एक दो तीन चार पांच छह सात और इस पूरे को आठ, तो यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए मेरे पास, एट। नाउ नाउ द अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कौन, जो रिपीट हो रहा, तो रिपीट कौन हो रहा है, एस हो रहा है चार बार और पी हो रहा है दो बार, क्या मैं दोबारा चार लिखूंगा जी, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इन चारों आई को एक सिंगल यूनिट मान लिया है, इन चारों आई को क्या मान लिया है, एक सिंगल यूनिट मान लिया है, इसलिए अब इसको मैं यहां पर डिवाइड नहीं करूंगा। चलिए, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल,
चार फैक्टोरियल, दो गुना एक, इससे एक आटा, दो से इसको काटेंगे चार, तो ये होगा 7 चौक 28 गुना 6 पंजे 30, ठीक है, 0, 3 8 8 3 8 8 3 24 का 4 रह गया 2, 3 2 6 और 2 8, तो 840। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, नाउ नाउ हमें क्या निकालना है, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ऑल आइस डू नॉट कम टूगेदर, डू नॉट कम टूगेदर, यही है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, टोटल माइनस कम टूगेदर, टोटल माइनस कम टूगेदर, तो भाई टोटल अरेंजमेंट कितना है 34,650 और कम टूगेदर की अरेंजमेंट कितनी है 840, माइनस कर दो नॉट कम टूगेदर आ जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 3, 3, तो 33,810 ऐसे कंडीशंस रहेंगे जिस पे बच्चों ये क्या रहेगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब एक साथ आई नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, आई एक साथ नहीं आएंगे। तो कितने कंडीशन है, 33,810 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें ऑल आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब क्या किया बच्चों मैंने, पहले टोटल का अरेंजमेंट निकाल दिया, फिर कम टुगेदर का अरेंजमेंट निकाल दिया, और फिर टोटल में से कम टुगेदर माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नॉट कम टुगेदर। क्या सभी बच्चों को यह बात पल्ले पड़ रही है, सभी को क्लियर हो रहा है क्या किया हमने? तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी जितना कराया है उतने की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में और भी डिटेल में जाऊंगा और भी नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इसको कीजिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।